पोर्शन या जिस पार्ट में फ्रैक्चर हुआ है वो काम करना बंद कर देगा। एबनॉर्मल मूवमेंट, नॉर्मल मूवमेंट हमारी जैसे हैंड की ऐसे है, अगर इसमें फ्रैक्चर हुआ पीछे की तरफ मुड़ जाएगा, एबनॉर्मल मूवमेंट, ठीक है। उसके अलावा स्वेलिंग, बूंद बन जाएगा, प्रेजेंस ऑफ रप्चर, रप्चर हो जाएगी इसकी। देन आते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्चर। टाइप ऑफ फ्रैक्चर में सबसे पहले मेनली तीन टाइप होते हैं, ओपन फ्रैक्चर, क्लोज फ्रैक्चर एंड पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर में क्या होता है, बूंद बनता है, बोन स्किन को रप्चर करके बाहर निकल आती है और ब्लड लॉस होता है। क्लोज फ्रैक्चर में सुपरफिशियल स्किन पे कोई बूंद नहीं होता, रप्चर नहीं होता और हड्डी ब्रेक होके स्किन के अंदर ही होती है, केवल मसल्स डैमेज होती है अंदर ही, सॉइलिंग होती है, पेन होता है। नेक्स्ट पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, कुछ बीमारियों की वजह से भी फ्रैक्चर होता है, तो उसमें जैसे ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी की वजह से हड्डियां चूर्णित होना चालू हो जाती है और धीरे धीरे खत्म होना चाहती है। नेक्स्ट आते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में क्या होता है, ये मुख्यतः छोटे बच्चों में होता है, छोटे बच्चों में जो मैलन्यूट्रिशन से इफेक्टेड हैं या उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, उस वजह से उनकी हड्डियां टूटना चालू हो जाती है, जैसे ये कर्व हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंपैक्टेड फ्रैक्चर। इंपैक्टेड फ्रैक्चर में हड्डियां टूट के आपस में जुड़ जाती है और ब्रिज बनाती है, जैसे इसमें दिख रही है हड्डी यहां से ब्रेक हुई है और नीचे दूसरी हड्डी में आपस में धस गई है, इंपैक्टेड। नेक्स्ट आता है